अब सुन लीजिए, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं सर्किट की बात कर रहे हैं, वो ट्रांजिस्टर सर्किट्स बात कर रहे थे। सर्किट्स ट्रांजिस्टर की जब स्टार्टिंग की बात की थी, स्टार्ट किया था कि शुरू से लेकर अब तक जो चीज, बस समराइज करवा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले बात कही ट्रांजिस्टर, कहा भी था ट्रांजिस्टर का जो मेन एप्लीकेशन, मेन जो वो क्या थी आपकी, एम्पलीफिकेशन था, सिग्नल के एम्पलीफिकेशन बढ़ाना था। ये तो मेन एप्लीकेशन आप लोगों का क्या था आपका, एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन के लिए मैंने कहा भी था कि टर्मिनल में, ये रीजन में आपका ट्रांजिस्टर किस रीजन में होना चाहिए, आपका एक्टिव रीजन में होना चाहिए। एक्टिव रीजन के लिए हमने साफ साफ कहा था कि जो एमिटर बेस कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन आप लोगों का वो कैसा होना चाहिए, रिवर्स बायस में। कैसे कहानी, ठीक। फिर जब यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, इससे पहले कि ये सारी चीज़ें डिटेल में, हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ हमने जब बात की थी, यहाँ पर जब स्टार्टिंग की, सबसे पहले हमने कहा था ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक बात आई थी, बात आई थी, तीन कैरेक्टरिस्टिक बात की थी। पहला कैरेक्टरिस्टिक आपका इन, फिर होता आप लोगों का आउटपुट, और थर्ड आता आप लोगों का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ये तीन थे हैं, इन तीनों के बारे में हमने और लेकर चला। इनपुट के केस में मैंने साफ साफ कहा इनपुट का ही क्या होगा आपका, इनपुट टर्मिनल का ही वोल्टेज और इनपुट का ही क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। फिर यहीं से आउटपुट की बात आई थी, तो हमने कहा था कि आउटपुट का ही वोल्टेज का और आउटपुट का ही क्या होगा आपका, करंट होगा, ठीक है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की जब बात आई थी, तो हमने कहा था कि आउटपुट का करंट और का करंट होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, फिर ट्रांजिस्टर बाइसिंग को क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कॉमन एमीटर है तो उसके हिसाब से इनपुट और आउटपुट, ठीक है। कॉमन बेस है तो उसके हिसाब से इनपुट और आउटपुट, और कॉमन कलेक्टर है तो हिसाब से इनपुट आउटपुट और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ये चीज़ें फिर हमने देखी थी, तो सही है। फिर मेजर बात आई थी हमारी यहाँ से, फिर अगली बात को जब हमने स्टार्ट किया था, अगले पॉइंट को जब हम लोगों ने देखा था, हमारे पास नेक्स्ट जो बात आई थी वो हमारी लोड लाइन की, कैसे लिखा था लोड लाइन में, हमने साफ साफ कहा था कि लोड कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींची गई लाइन को ही क्या कहते हैं, लोड लाइन कहते हैं। यहाँ से मैंने कहा भी था कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर खींची गई लाइन, ठीक है, वही हमारी क्या थी, लोड लाइन थी। ये लाइन खींची क्यों गई थी, ये लाइन खींची गई थी हमारी किस, ऑपरेटिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, क्यू पॉइंट भी कहते हैं, या फिर आप इसी क्या कहते हैं, जीरो सिग्नल पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, जीरो सिग्नल पॉइंट भी होता है, क्योंकि फुल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेशेंट होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए हमने कहा भी था कि इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए लोड लाइन, अब लोड लाइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। लोड लाइन के लिए हमने कहा था कि हमें पहला क्वेश्चन, मैंने यहाँ से कहा कि एंड पॉइंट्स कितने, इसके किनारे के बिंदु कितने होते हैं, तो हमने सिंपल सी बात कही वो हमारे पास क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इन दो एंड पॉइंट्स को फिर हमने कहा, इनको हमने इलेबरेट किया था, तो हमने कहा था कि सबसे पहला पॉइंट होता आपका सैचुरेशन पॉइंट, और दूसरा होता हमारा कट ऑफ पॉइंट। दो पॉइंट थे, सैचुरेशन पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट की बात की थी वाई एक्सिस पर था, और कट ऑफ की बात की थी ये कहाँ था, एक्स एक्सिस। फिर सैचुरेशन पॉइंट के लिए हमने देखा, हमने कहा कि हमारी जो कलेक्टर करंट थी वो कैसी थी, मैक्सिमम थी, ठीक है। वहीं अगर मैं कलेक्टर से एमीटर के वोल्टेज की बात करता था तो ये कैसे था, जीरो वोल्ट था। जबकि कट ऑफ पॉइंट को अगर मैं देखता हूँ, मैंने सिंपल सी बात क्या कही थी, यहाँ कलेक्टर करंट कैसी थी, जीरो थी, और कलेक्टर से एमीटर वोल्टेज कैसा था आपका, मैक्सिमम। तो सही है, और आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, हमने कहा कि हमने टर्म लिखी ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट ऊपर लिखा भी था, ठीक। इसी बात को लेकर भी चलता हूँ कि जो हमारा फिर पॉइंट होता है, पोजिशन की बात करता हूँ कि ये जनरली कहाँ पर होना चाहिए, इसके लिए हमने कहा भी था कि ये कहाँ होता आपका, सेंटर या मिडिल पर होता है, ठीक है, किसके, लोड लाइन के, लोड लाइन के सेंटर या मिडिल पर होता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, और
फेथफुल एम्पलीफिकेशन, अगर हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन, कहने का मतलब जैसे सिग्नल हमने इनपुट से दिया था उसी शेप का पूरा सिग्नल आउटपुट पर चाहिए, पॉइंट को कहाँ रखना पड़ेगा, सेंटर पर रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर क्यू पॉइंट ऊपर या नीचे होता है तो फिर कैसा एम्पलीफिकेशन, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन होता है। ठीक है, यहीं से और आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, यहीं से और आगे अगर मैं, फिर नेक्स्ट बात मैंने कही कि पॉइंट से रिलेटेड बातों को हमने कहा, यहाँ से हमने क्या कहा कि पॉइंट के शिफ्टिंग बात करता हूँ। ठीक है, हमने दो चीज़ें कही थी, पॉइंट अगर शिफ्ट हो रहा है ये आपकी दोनों तरफ जा सकता है, या तो आपका मैंने कहा था कि ये अगर मैं लिखूँ या तो ये किस तरफ, सेचुरेशन की तरफ, टूवर्ड सेचुरेशन। ठीक है, या फिर ये कहाँ को जाता है, कट ऑफ की तरफ को जाता है, सेचुरेशन या कट ऑफ की तरफ को मूव करता है। दोनों में से किस साइड जाएगा तो रिजल्टेंट हमारा कैसे आएगा, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन आता है। क्या आता आपका, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन आता है। अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन कड़ी को हमने जोड़ा था, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन तब होता है जब हमारा क्यू पॉइंट पर या नीचे शिफ्ट होता है। फिर बात आई थी आप लोगों की कि इन स्टेबिलिटी हमने कहा भी था, क्यों ये स्टेबल नहीं हो रहा है, क्यों ये ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो इनस्टेबिलिटी ऑफ पॉइंट कहिए, या आपको मैंने कहा भी था, ठीक है, कलेक्टर करंट आईसी में कहा था, यहाँ से मैंने ये भी कहा था कि आपके ये कितने पैरामीटर होते हैं, तीन पैरामीटर थे जिनके कारण इनस्टेबल हो रहा था। तीन पैरामीटर कौन कौन से, पहला पैरामीटर था आप लोगों का, यहाँ से अगर मैं कहूँ बीटा, ठीक है, दूसरा पैरामीटर था हमारा बेस करंट आई बी, और तीसरा करंट था हमारा कलेक्टर लीकेज करंट आई सी नॉट। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक भी पैरामीटर अगर मेरा क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है, फिर ओवरऑल कौन होता है चेंज, कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट चेंज होता है तो फिर हमारा कौन चेंज होता है, टू पॉइंट चेंज होता है। ठीक है, टू पॉइंट को स्टेबल करने के लिए फिर मैंने कहा कि यहाँ से हमने लिखा भी, टू पॉइंट को स्टेबल करने के लिए हमारे पास दो मैथड्स थे, कौन कौन से थे वो, एक मेथड था आपका कंपनसेशन मेथड और दूसरा कौन सा था, ट्रांजिस्टर बाइसिंग मेथड। ठीक है, यहाँ से मैंने कहा भी था कि एक था कंपनसेशन मेथड, वहीं दूसरा था आप लोगों का ट्रांजिस्टर बाइसिंग मेथड। इन दोनों में जो ज़्यादा यूज़ होता है वो कौन सा है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग मेथड। इसको समझने से पहले, ठीक है, यही मैंने आपको एक और टर्म इंट्रोड्यूस वो थी आपकी स्टेबिलिटी फैक्टर। हाँ, स्टेबिलिटी फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कहा भी था कलेक्टर करंट में चेंज के सापेक्ष, कलेक्टर लीकेज करंट के सापेक्ष, ओवरऑल फॉर्मूला कलेक्ट कॉमन एमीटर के लिए देखा था, वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी, ऐसे फॉर्मूला लिखा भी था। अगली बात कही थी ये कैसा होना चाहिए आपका, कम से कम होना चाहिए, कहने का मतलब आपका do as much as possible। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए आपका, कम से कम होना चाहिए। मैंने यहाँ से कहा भी था अगर मुझे मिनिमम वैल्यू पूछता है, मिनिमम वैल्यू ही हमारी क्या डायर्ड वैल्यू भी आई थी अन होती, वहीं अगर मुझे पूछ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम आप कहा अनडिजायर्ड आती आपकी अन प्लस आती, सही है। ये क्वेश्चन थे आपके स्टेबिलिटी फैक्टर से रिलेटेड, छोटी सी टर्म रह गई बीच, थर्मल रन अवे है था। ठीक है, तो यही एक और चीज थी, थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने सिंपल सी बात आपको समझाई भी थी, टेम्परेचर बढ़ने पर फिर से टेम्परेचर बढ़ना, वही हमारा क्या होता है, थर्मल रन अवे होता है। और ये हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ते ही जाएगा तो एक टाइम बाद मेरी डिवाइस क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कहा था कि मैंने दो चीज़ें लिखाई थी, पहले कंडीशन लिखाई थी अकरेंस की कि कब अकर करेगा, और दूसरी कंडीशन लिखाई थी कि अवॉइड करने की क्या कंडीशन होती, अकरेंस की क्या कंडीशन, वी सी ई का वैल्यू कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए किससे, हाफ ऑफ बी सी सी से। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका थर्मल रनअवे होगा, और अगर आपका
यही कंडीशन का उल्टा हो जाए कि लेस देन या इक्वल्स टू या हाफ ऑफ वी सी, फिर हमारा थर्मल रनअवे अकर नहीं करेगा। पहली कंडीशन अकरेंस की थी, वहीं दूसरी कंडीशन आपकी नॉट अकरेंस, तो ठीक है। अब देखें इसके ठीक बाद फिर हमने कहा था आपके क्यू पॉइंट को स्टेबल करने के दो मेथड थे कि एक कंपनस था और एक कौन सा था आप लोगों को, ट्रांजिस्टर बाइसिंग मेथड था। तो कंपनसेशन प्रैक्टिकली यूज, पहले भी कहा था कि हम ज़्यादातर जो करते हैं वो किस करते हैं, ट्रांजिस्टर बाइसिंग मेथड को ही करते हैं। अब देखें अब बात करते हैं हम लोग किस ट्रांजिस्टर बाइसिंग। बायस करने का मतलब होता आप लोगों का पोटेंशियल अप्लाई करना। जनरल मेथड जो होता है ट्रांजिस्टर बाइसिंग का, क्या होता आपका पोटेंशियल अप्लाई करना या प्रॉपर वोल्टेज ट्रांजिस्टर बाइसिंग। मैंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन कितने टाइप की बाइसिंग होती है, ठीक है, तो कितने टाइप की बाइसिंग होती है आपकी, चार टाइप की बाइसिंग, ठीक है। अपने पास अगर हम लोग देखें यहाँ से अगर हम लेकर भी चलते हैं, ट्रांजिस्टर में जो बाइसिंग होती है वो चार टाइप की, ठीक है। अब इन चार टाइप की बाइसिंग को एक एक करके हम लोग, ठीक, यहाँ मैंने सबसे पहला कहा, सबसे पहला कौन सा था आपका, फिक्स्ड बायस था, या इसी क्या कहते हैं, बेस रेजिस्टर बायस भी कहते हैं, फिक्स्ड और बेस रेजिस्टर बायस था, ठीक है। वहीं दूसरी बात अगर मैं देखता हूँ, दूसरा अगर हम लेकर चलते कौन सा था, कलेक्टर टू बेस, तीसरा कौन सा था, फिक्स बायस विद एमीटर रजिस्टर, और तीसरा लास्ट था आप लोगों का वोल्टेज डिवाइडर बायस। एक एक करके इनको लेकर चल रहा हूँ। मैंने कहा फिक्स बायस की अगर मैं बात करता हूँ या बेस रजिस्टर बायस की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहली बात मैंने यहाँ से कही इसके सर्किट बायस का मतलब है, या बेस रजिस्टर बायस मतलब बेस का रजिस्टर डायरेक्टली बायस होगा। सर्किट को अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, मैंने सिंपल बात कही कि यहाँ से ये सर्किट कॉमन सर्किट मैंने इस तरह से दिमाग में रखना है, और बेस बायस या बेस रजिस्टर बायस था तो बेस के रजिस्टर डायरेक्ट इस तरह बायस किए। यहाँ फिर दूसरी बात आई थी कि ये तो सर्किट मैंने देखा है, मैंने कहा कि यहाँ जो स्टेबिलिटी फैक्टर आता है, बाकी तो मेथड सबके लिए सेम है, इनपुट में केबल लगाना है, आउटपुट में केबल लगाना है, स्टेबिलिटी फैक्टर जो यहाँ आता था वो कितना आता है, 1+β आता है, जो कि सारे बायसिंग सर्किट में कैसा है आप लोगों का हाईएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। इसीलिए फिक्स्ड बायस सर्किट को हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, ना के बराबर इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ठीक है, तो फिक्स्ड बायस सर्किट आपका बहुत कम होता है। वहीं दूसरे बायसिंग सर्किट की अगर मैं बात करता हूँ, सेकेंड कौन सा पड़ा था, कलेक्टर टू बेस बायस था, तो पास फेल वाला ऐसा है, अगर उड़ा तो पास हो गए। चलिए बायसिंग कौन सी थी, कलेक्टर टू बेस बायस था, इसी को हमने क्या कहा था, फीडबैक बायस भी कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, फीडबैक बायस भी। सबसे पहले सर्किट याद रखना है कि कलेक्टर टर्मिनल से, नाम को ध्यान से देखो, कहाँ कनेक्ट करना है आपको, बेस पर, तो ये कलेक्टर से कनेक्ट करना है, ये ऐसे क्या गया सर्किट, ठीक। फिर अगली बात कलेक्टर टू बेस के लिए भाई आपकी यहाँ स्टेबिलिटी फिक्स्ड बायस की अपेक्षा कुछ क्या हुई, डिक्रीज हुई वैल्यू आप लोगों की, घटी, ठीक है, बाकी नॉर्मल काम था आपका, इनपुट पे लगाओ आउटपुट से, बस इम्पॉर्टेंट बात थी ऊपर से जो करंट आएगी वो कैसे आएगी, IC+IB आएगी, सिंपल IC मत ले, भी ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कलेक्टर से बेस का बायस या कलेक्टर टू बेस बायस। अगली बात पर बढ़ता हूँ, नेक्स्ट यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा तीसरा कौन सा बायस सर्किट था आपका, ये था हमारा फिक्स्ड बायस विद, फिक्स्ड बायस विद एमीटर रजिस्टर, ठीक
है, फिक्स बायस विद एमिटर रेजिस्टर। यहाँ सर्किट में जो चेंज आया, आपने कहा कि सर फिक्स बायस कुछ ऐसे दिखता था ग्राउंड, ठीक है, यहाँ से क्या होता था, ये ऐसे हमारा फिक्स बायस होता था। इसी सर्किट में मॉडिफिकेशन क्या हुआ था, एमीटर पर हमने क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। ये अगर मैं लेकर भी चलता हूँ तो यहाँ आप लोगों को ये इस तरह से रजिस्टर लग गया, बाकी सब सेम, ठीक। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेबिलिटी आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा था स्टेबिलिटी फैक्टर फिक्स बायस का, फिर इससे थोड़ा सा कम हुआ आप लोगों का फीडबैक बायस का, इससे कम होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आ गया आप लोगों का फिक्स बायस विद एमीटर रजिस्टर, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू वैसे वैसे क्या होती है, घटते जाती, ठीक। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सर्किट आप लोगों बाद नेक्स्ट सर्किट को अगर हम देखते हैं, यहाँ से हमने कहा कि फोर्थ टाइप के बाइसिंग को अगर मैं लेकर चलता हूँ, कौन सा था आपका, वोल्टेज डिवाइडर कहिए या पोटेंशियल डिवाइडर कहिए या फिर इसी को क्या कहते हैं, सेल्फ बायस भी कहते हैं, कि ये हो जाता हमारा सेल्फ बायस। इसके लिए हमने कहा कि सर्किट ही सबसे पहले अलग दिखता है, ऐसे रजिस्टर और ये ऐसे, ये आपका एक और रजिस्टर और रजिस्टर, ये हो गया आपका ग्राउंड, ठीक है। यहाँ से मैंने कहा ये एमिटर, ये आ गया सप्लाई, यहाँ से कनेक्ट, ऐसे कुछ, ठीक। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि इसकी तो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, कैसी होती है आपकी, हाईएस्ट स्टेबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल इसके आउटपुट आता है, मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे कम किसका होगा, वोल्टेज डिवाइडर बायस का ही होगा, कैसे था, ठीक है। देखें वहाँ अगर और छोटा करूँगा तो आपको विजिबल भी नहीं, थोड़ा सा बातें सुन, देखिए हमारे पास चार बाइसिंग, सबसे पहला था कौन सा, यहाँ पे लिखा है सबसे पहले था आपका फिक्स बायस, फिर था आपका कलेक्टर टू बेस बायस, फिर था आप लोगों का कौन सा, फिक्स बायस विद एमिटर रजिस्टर, और फिर था आप लोगों का सेल्फ बायस, ठीक है, ये वोल्टेज डिवाइडर बायस, यही था। अब देख मेरे पास क्वेश्चन आता है कुछ जैसे मैंने वाले क्वेश्चन, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर पूछा है, ये ध्यान दे, ये किसका होता है, फिक्स बायस का होता है या वोल्टेज रेजिस्टर। मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे अगर पूछ देता है एग्जामिनर आपसे, हाईएस्ट स्टेबिलिटी किसकी होती, अब फैक्टर नहीं पूछा, स्टेबिलिटी पूछा, क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर बायस या सेल्फ बायस का होता है। यहीं से अगर मैं कह दूं आपसे सबसे ज़्यादा कौन यूज होता है, वाइडली यूज कौन सा है, आपने कहा कि कौन सा होता है, वोल्टेज डिवाइडर बायस सबसे ज़्यादा प्रयोग। इसी तरह से मैंने कहा, जैसे ज़्यादा की बात कही तो मैंने कहा सबसे कम, रेयरली यूज का सर्किट होता है, तो ये होता आपका फिक्स्ड बायस सर्किट जाएगा। मैंने आपसे कहा कि स्टेबिलिटी फैक्टर, कि ये मैंने लिखा स्टेबिलिटी फैक्टर, अगर ये हाई है इस बात का मतलब है कि हमारी स्टेबिलिटी कैसी है, लो है, ठीक है। और यहीं से मैंने कहा, इसी बात को देखना, अगर ये स्टेबिलिटी फैक्टर लो है तो मतलब स्टेबिलिटी कैसी होगी, फिर आपकी हाई होगी, ठीक है। हमने यहाँ से एक बात को कहा भी, थोड़ी देर पहले नीचे लिखा भी ऐसा है, स्टेबिलिटी जो फैक्टर होता है, ठीक है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, आपका लो होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए, इसका वैल्यू कैसा होना चाहिए, लो एज मच एज, ध्यान से सुनना, सब लिखा है हुआ है। अब मैंने यहीं से कहा कि स्टेबिलिटी फैक्टर पर मैं फिर से आया, स्टेबिलिटी फैक्टर की, ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू होती है, नीचे लिखा है शायद, है ना, उसी को हमने क्या कहा था, डिजायर्ड वैल्यू कहा था, और कितनी होती है आपकी, 1 होती है, जबकि हाईएस्ट वैल्यू कितनी, 1 प्लस बीटा, और ये कैसी वैल्यू होती है, अनडिजायर्ड वैल्यू होती
ये भी सही है। अब देखो चार टाइप की बायसिंग थी, ध्यान से देखना। सबसे पहला कौन सा था? फिक्स बायस था, ठीक है। ये स्टेबिलिटी फैक्टर, क्योंकि बाकी चीजें पता है कि इनपुट से केवल और आउटपुट से, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर पर आता हूँ, मैंने कहा फिक्स बायस की अगर बात चल रही है भाई, इसका स्टेबिलिटी फैक्टर कितना था? 1 प्लस बीटा। सबसे आसान होता है इसी का फॉर्मूला याद रखना, तो कितना आता है? 1 प्लस बीटा आ जाता है, ठीक है। इसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर आता है वो होता है 1 प्लस बीटा। तो हो गया पहला। दूसरा कौन सा था भाई? कलेक्टर टू बेस बायस था। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक। सारे फॉर्मूले आप खुद ही याद हो जाए। एस बराबर 1 प्लस बीटा सबके लिए होता है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस बीटा, यहाँ आई बी बाई आई सी। अभी देखते रहो, ठीक है। फिर मैंने कहा तेरा कौन सा था? फिक्स बायस विद एमीटर रजिस्टर, ठीक है। फिक्स बायस विद एमीटर रजिस्टर, मैंने कहा यहाँ भी जब हमने फॉर्मूला लिखा था पर 1 प्लस बीटा ही आता था, नीचे 1 माइनस बीटा, चेंज यही तो आता था इसके बाद। फिर नेक्स्ट कौन सा है? वोल्टेज डिवाइडर बायस, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर बायस की अगर बात करता हूँ तो मैंने कहा स्टेबिलिटी फैक्टर जो था 1 प्लस बीटा, ठीक है, और डिवाइड बाई 1 माइनस, तक सेम था, ठीक है। कोई है चलिए अब देखें। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कलेक्टर टू बेस, सबसे पहले फिक्स बायस था, सर्किट को चाहो तो कॉपी में देखो, यहाँ रजिस्टर कलेक्टर से बेस की बात आई तो नाम को थोड़ा सा दिमाग में याद रखना कि कलेक्टर कहाँ है, कलेक्टर कहाँ है, तो बस आपने बात यही पकड़ लेनी है कि ऊपर आएगा कलेक्टर का रजिस्टर, नीचे पहले कलेक्टर का ही रजिस्टर और प्लस बेस का, ठीक। फिर से ध्यान से सुन, कलेक्टर से स्टार्ट था, ऊपर कलेक्टर का रजिस्टर, नीचे भी कलेक्टर का रजिस्टर और प्लस बेस का रजिस्टर। गलत जगह पे लिख दिया, ये आना है यहाँ पे, ठीक। ये माइनस की जगह क्या करना था? प्लस करना था। और ये हमने कहा कलेक्टर का रजिस्टर डिवाइड बाय कलेक्टर प्लस। अब इसके ठीक बाद वाले में देखो फिक्स बायस विद एमीटर रजिस्टर, नई चीज क्या आई है? एमीटर आया है। फॉर्मूला जब लिखा जाएगा 1 प्लस बीटा, ऊपर आएगा एमीटर का रजिस्टर, जो ऊपर आया है नीचे वहीं से शुरुआत करो और प्लस बेस का रजिस्टर, फॉर्मूला मैच कर सकते हो एज इट इज, यही ठीक। लास्ट केस में मैं आया वोल्टेज डिवाइडर में, वोल्टेज डिवाइडर के केस में हमें एक बात याद थी कि क्या निकलता है VTH और क्या निकलता है RTH, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ रजिस्टर एमीटर का यहाँ भी था, एमीटर का रजिस्टर था तो पहले ये प्लस क्या ऊपर एमीटर का रजिस्टर, जो ऊपर आएगा वो पहले नीचे भी आएगा, ठीक है। प्लस बेस में जो रजिस्टर लगा था वो कौन सा था? RTH था। कई बार एग्जाम में RB भी लिख कर दे देता है, तो RB जो होगा वो सेम कौन है आपका? RTH है। क्या आपके चारों के फॉर्मूले आपको नाम से सीधे याद रखना है, ठीक है, नाम से ही डायरेक्टली आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। कलेक्टर टू बेस कहने का मतलब आपका कि आपका फोकस कलेक्टर पर आ जाना चाहिए, फिक्स बायस विद एमीटर रजिस्टर मतलब एमीटर पर आ जाना चाहिए, वोल्टेज डिवाइडर बायस मतलब RTH की कहानी आपको याद रखें। ये था आप लोगों का पूरा ट्रांजिस्टर सर्किट जो अभी तक हम लोग का पूरा एनालिसिस भी देखा, इसके पूरी बायसिंग भी। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत हो या कोई डाउट हो तो अब आप पूछ सकते हैं।